राजधानी भोपाल में देर रात तक अनंत चतुर्दशी के जश्न में डूबे हुए भक्त गणपति बप्पा मोरिया की गूंज के साथ बप्पा का विसर्जन करने में जब मशरूफ थे, तब विसर्जन के दौरान एक हादसा हुआ जिसने विसर्जन के जश्न में मातम का कलंक लगा दिया। चारों तरफ जश्न और खुशियों के बीच अचानक माहौल गमगीन हो गया जब विसर्जन के दौरान 11 लोगों की मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे, लेकिन ऐसे हादसों के बाद भी प्रशासन कोई सबक नहीं लेता है और बस चैन की नींद सोता रहता है। हादसे की खबर मिलते ही जश्न का माहौल मातम में तब्दील हो गया। अचानक से बचाओ बचाओ की चीख पुकार सुनाई देने लगी। यह गूंज बप्पा के विसर्जन के लिए गए 19 लोगों की थी, जो तालाब के बीच जाकर मूर्ति का विसर्जन कर रहे थे। इस लापरवाही ने जहां 11 लोगों को मौत के आगोश में ले लिया, वहीं कुछ लोगों को बचाने में रेस्क्यू टीम कामयाब हुई। अबे फुक्का पकड़ ले फुक्का। यार विसर्जन में लापरवाही ने ली 11 लोगों की जान। अनंत चतुर्दशी के दौरान हुआ दिल दहला देने वाला हादसा। खटलापुर तालाब से निकाले गए 11 लोगों के शव। सरकार और प्रशासन सोते रहे चैन की नींद। मूर्ति विसर्जन के जश्न में लगा मातम का कलंक। जैसे ही यह खबर प्रशासन के कानों तक पहुंची, तो हर बार की तरह एक बार फिर लापरवाही के बाद कार्रवाई का ड्रामा शुरू हो गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस सहित SDRF और NDRF की टीम मौके पर पहुंची और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए टीम ने कुछ लोगों को बचा लिया, लेकिन तब तक उन 11 मासूमों के घर तक मातम की गूंज पहुँच चुकी थी। वहीं मौके का मुआयना करने के लिए CM कमलनाथ, मंत्री PC शर्मा, कलेक्टर सहित नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। हादसे की जानकारी मिलने के बाद घटना स्थल पर प्रशासन और सरकार के आला कमान ने दौरा किया। वहीं मीडिया के सवाल करने पर सरकार और प्रशासन यह कहते नजर आए कि रेस्क्यू पूरा होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सरकार ने मृतकों के परिजनों को पहले 4-4 लाख मुआवजा देने की घोषणा की थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 11-11 लाख कर दिया गया है। गौरतलब है कि कई बार विसर्जन के दौरान हादसे हो चुके हैं, कई मासूम लोग विसर्जन के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं, फिर भी प्रशासन ना ही हादसों से सबक लेता है और ना ही इसके रोकथाम के लिए कोई योजना बनाता है। बस हादसों के बाद मीडिया में बयानबाजी और लिपापोती की राजनीति कर अपने अपने घर लौट जाते हैं। पुलिस भी हादसे होने के बाद और मासूम लोगों की जान जाने के बाद नींद से जागती है और रेस्क्यू की नौटंकी कर मामले को रफा दफा कर देती है, लेकिन इनका खामियाजा उन मासूम मृतकों के परिजनों को भुगतना पड़ता है जिनके घर के चिराग बुझ गए और जो फिर वापस लौट कर कभी नहीं आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।